हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हैं। ये एक एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इसमें हम ऑप्शन बाइंग के कॉल एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी प्रीमियम आप इसमें अगर चेक करते हो तो उसके बेस पे किस प्रकार के कॉल्स आपको ये स्ट्रैटेजी देती है, कौन से कॉल को आपको एनालाइज करना है, किस में आपको ट्रेड करना है, ये आपको सारा गाइडेंस इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के कॉल्स आपको एनालाइज करने हैं जो परफेक्ट हो और वो आपको टारगेट्स दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब कोई भी बाय कॉल ये स्ट्रेटेजी आपको देती है तो एरोज का जनरेशन होता है। इसमें ग्रीन कलर में आपको एरोज मिलेंगे, उसका इंडिकेशन होगा कि बाय का सिग्नल आया है। अब वो सिग्नल कितना परफेक्टली आपको टारगेट्स देगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कुछ कंडीशन को एनालाइज करोगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली कंडीशन अगर आपको एनालाइज करनी है तो वो ये देखनी है, जब कोई भी कॉल जनरेट होके मिलेगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो स्टॉप लॉस की लाइन है व्हाइट कलर की, ये स्टॉप लॉस की लाइन जिस भी कैंडल पे कॉल जनरेट होता है उसके नीचे होनी चाहिए। अगर ये कैंडल के ऊपर है तो वो कॉल आपको अवॉइड करके चलना है, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेकेंड कंडीशन आपको ये देखनी है, जब कोई भी बाय कॉल जनरेट होता है आपका वॉल्यूम ग्रीन होना चाहिए, साथ ही साथ जो बायर सेलर्स का परसेंटेज है उसमें बायर्स का परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए, जो ट्रेंड लाइन का कलर है ये आपका ग्रीन होना चाहिए। तो ये सिंपल कंडीशंस है, ये अगर कोई कॉल आपको देता है तो आपको परफेक्टली फर्स्ट टारगेट दे जाएगा। फर्स्ट टारगेट की एक्यूरेसी हमारी 90-95% आपको मिलेगी, और जो रिटर्न फर्स्ट टारगेट के बेस पे मिलेगा, एक लॉट के बेस पे या दो लॉट के बेस पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो, 10% का रिटर्न आपको इजिली दे जाएगा। तो आज मैं क्या कॉल्स बने मैं आपको दिखाता हूँ। आज है 21st of December, तो जो फर्स्ट कॉल ये आपको मिला 10 बजे कह रहा हूँ, लेकिन ये एक परफेक्ट कॉल नहीं था। देख सकते हो नीचे वॉल्यूम नहीं था आपके हाथ में, बायर्स का परसेंटेज मैक्सिमम था, तो ये क्राइटेरिया में फुल्ली फिट नहीं बन रहा है कॉल। लेकिन फिर भी आप देखो तो इसने फर्स्ट सेकेंड टारगेट इजिली आपको दे दिया। ये आया था आपका 34 रुपीज पे, और इसने जो आपको टारगेट दिए अराउंड हाई लगा था 50 का, तो ये मॉर्निंग का एक कॉल बना था जो आपको लेना नहीं था, ये एक फेक कॉल आप मान सकते हो, लेकिन फिर भी आपको टारगेट्स मिल गए। सेकेंड कॉल आया था आपका अराउंड 12:15 को, ये एक परफेक्ट कॉल आप मान सकते हो, ये एक परफेक्ट कॉल इसके लिए आप मान सकते हो क्योंकि जो भी कंडीशंस मैंने प्रायर आपको बताई थी ये सारी सेटिस्फाई कर गई। मैक्सिमम बायर्स आपको 91% यहाँ पे मिले, वॉल्यूम आपका स्ट्रांग ग्रीन था, ट्रेंड लाइन आपकी ग्रीन थी, एंट्री बनी आपकी 47.5 की, और इसने आपको फर्स्ट सेकेंड टारगेट इजीली दे दिया। सेकेंड टारगेट अपना 59 का था और जो हाई लगाया मार्केट ने 67.4 का। सो इस प्रकार से इजीली आपको नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट्स मिल चुके थे। तो ये हमारा परफेक्ट फर्स्ट कॉल था आज के दिन का 18,300 के पुट में। नेक्स्ट कॉल हमारा बना 102 रुपीज के अराउंड, सो ये भी एक परफेक्ट कॉल था। आप देख सकते हो 98% बायर्स थे, वॉल्यूम आपका स्ट्रांग था, ट्रेंड लाइन आपके साथ थी, तो सेकेंड कैंडल ने ही आपको टारगेट दे दिए। 128 रुपीज का आपका सेकेंड टारगेट था जो इजीली अचीव हो चुका था। सो ओवरऑल दो कॉल आपको परफेक्ट मिले। ये हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, यहां से टाइम फ्रेम स्विच कर सकते हो। 5 मिनट 15 मिनट में आपको ट्रेड करना है, इजीली आपको फर्स्ट टारगेट 10% का रिटर्न दे जाएगा। अगर आप नेक्स्ट कॉल की बात करो तो ये परफेक्ट कॉल नहीं था। सबसे पहली कंडीशन हमारी थी स्टॉप लॉस की लाइन, ये हमारी ऊपर दिख रही है तो ये अवॉइड करके चलना है। ट्रेंड लाइन का कलर भी आपका रेड था तो ये फुल्ली आपका परफेक्ट कॉल नहीं है। फिर भी आप देखो तो इसने भी आपको टारगेट दे दिए। सो फोर्सफुली कोई भी कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना है, ओनली परफेक्ट कॉल आपको चॉइस करना है। उसके बेस पे आपको एक दो कॉल इजीली मिल जाएंगे, दिन में आपके दो ट्रेड भी होते हैं तो आपको 10% का इजीली पर कॉल रिटर्न निकल आएगा। तो इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी आपको इम्प्लीमेंट करनी है जब कोई आप ऑप्शन का ट्रेड करो। एडवांस ऑप्शन आपको इजीली ये गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू, बाय।